हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो आई एम संदीप सिंह, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। दोस्तों आपको याद होगा हम लोग पजल का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। पजल के टॉपिक में एक बहुत अच्छी कैटेगरी हम लोगों ने सॉल्व की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उसी कैटेगरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसके बिहाफ पे कुछ आगे एडवांस क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक तो अपना क्लियर हो चुका है और होपफुली जब आप उस तरह के क्वेश्चन को भी देखे होंगे तो होपफुली वो आपसे सॉल्व भी हो रहे होंगे। जितना टाइम आप पजल में लेते थे होपफुली उससे थोड़ा सा कम टाइम आप ले रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन हमें क्या दिखाते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे आ रहा है कि सात पर्सन है बी डी एच के पी आर टी और ये तीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, किसमें किसमें, एक्स वाई और जेड। दे हैड ऑप्टेड फॉर वन आउट ऑफ थ्री स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, फिनेंस एंड पर्सोनल, विद एटलीस्ट टू ऑफ देम इन ईच स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तीनों स्पेशलाइजेशन में कम से कम दो दो लोग हैं। तो चलिए भाई, बेस हमारा मिल चुका है। पहला आपका हो गया मार्केटिंग, ठीक है, दूसरा आपका हो गया फिनेंस और तीसरा और आखिरी आपका हो गया पर्सोनल। ठीक है, तो चलिए भाई, एक चीज तो ये क्लियर हो गया। अब ये बोला गया कि हर एक स्पेशलाइजेशन में कम से कम दो लोग हैं, तो कम से कम दो हैं तो टोटल मिला के छह हो गए, लेकिन सातवां पर्सन जिसमें भी होगा उसके बिहाफ पे टोटल कितने हो जाएंगे, सातवां पर्सन जैसे ही आएगा टोटल मिला के उसमें तीन हो जाएंगे। बट वो तीसरा होगा किसमें ये अभी तक मुझे नहीं पता है, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा आगे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें यह बोला गया कि तीन कॉलेज हैं, कौन कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है। चलिए तीनों कॉलेज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स वाई और जेड। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक कंपैरिजन भी किया यहाँ पे, ये बोला कि नो टू पर्संस हैव सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड स्पेशलाइजेशन। इन्होंने ये बोला कोई भी दो पर्सन जो है उनका सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, होने दीजिए। चलिए पहली कंडीशन बोला मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट वाई अर्न्स द मैक्सिमम। कह रहा है कि वाई इंस्टीट्यूट में जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट सबसे ज्यादा कमाता है, तो यहाँ अर्निंग भी आ गई, दैट मीन्स कि यहाँ मुझे कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, कंपैरिजन करना है तो आइए भाई देख लेते हैं कंपैरिजन के लिए। यस, वही कहानी कि टोटल मिला के ऐसे हम सेवन प्लेसेस डिसाइड कर देंगे। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ग्रेटर देन का सिंबल बनाने का मतलब है कि जो सबसे लेफ्ट में होगा सबसे ज़्यादा कमाएगा और जो सबसे राइट में होगा वो सबसे कम कमाएगा। इतनी चीज तो समझ में आ गई। चलिए अब ये बोला गया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट वाई अर्न्स द मैक्सिमम, क्या सबसे ज्यादा कमाता है, ये कौन है, ये मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है और उसके साथ साथ ये कौन से कॉलेज का है, वाई कॉलेज का है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर आगे क्या बोला गया, कह रहा डी स्टडीड इन इंस्टीट्यूट जेड विद पर्सोनल स्पेशलाइजेशन। कह रहा पर्सोनल स्पेशलाइजेशन में कौन है, डी है और एक किस कॉलेज से है, ये जेड कॉलेज से है। बोलिए, यही था डेटा। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अच्छा, ये भी बोला गया है कि डी जो है वो जेड कॉलेज जेड इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, कौन से स्पेशलाइजेशन के साथ, पर्सोनल स्पेशलाइजेशन के साथ। उसके साथ साथ ये ज़्यादा कमाता है सिर्फ बी और के से। तो ये सिर्फ का मतलब क्या है, सिर्फ का मतलब ये है कि अगर ये सिर्फ बी और के से ज़्यादा कमाता है तो बाकी सब लोगों से क्या कमाएगा, बाकी सब लोगों से ये कम कमाएगा। तो अगर ये बोला गया कि ये सिर्फ बी और के से ज़्यादा कमाता है तो इसका मतलब बी यहाँ होगा तो के यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ होगा तो के यहाँ आ जाएगा और डी की पोजीशन आपको सबसे पहले यहाँ पे डिसाइड कर देनी है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इन्होंने क्या बोला कि डी जो है वो जेड इंस्टीट्यूट में है पर्सोनल स्पेशलाइजेशन के साथ, उसके साथ साथ अर्निंग में हमने कंपैरिजन किया कि ये ज़्यादा कमाता है सिर्फ बी और के से, तो सिर्फ बी और के का मतलब बाकी सबसे क्या कमाएगा, कम कमाएगा। यहाँ तो मामला क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, एच स्टडीड इन इंस्टीट्यूट एक्स। एच जो है वो इंस्टीट्यूट एक्स में पढ़ता है, उसके साथ साथ बोला गया मार्केटिंग। लीजिए भाई, मार्केटिंग में है एच और उसके हमने कॉलेज लिख दिया क्या, एक्स हो गया। अच्छा, ये भी बोला गया एच जो है वो स्टडीड इन इंस्टीट्यूट एक्स विद मार्केटिंग एंड अर्न्स लेस देन ओनली पी एंड टी। ये सिर्फ पी और टी से कम कमाता है। अगर सिर्फ पी और टी से कम कमाता है इसका मतलब कि बाकी सबसे वो ज्यादा कमाएगा। इसका मतलब कि पी अगर यहां होगा तो टी यहां आ जाएगा, पी यहां होगा तो टी यहां आ जाएगा और यहां पे तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, एच। ये कहानी तो समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि पी और टी में से कोई यहां पे होगा, एच आपका यहां पे है, डी आपका यहाँ पे है और बी और के में से कोई यहाँ पे होगा। इसकी पोजीशन क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पे एक पर्सन है जो अभी तक नहीं आया हुआ, उसकी पोजीशन क्लियर हो चुकी है। देखिए उस इन्फॉर्मेशन शुरू में देखिए क्या लिखा था, बी डी एच के पी आर टी, आर की पोजीशन अभी तक यहाँ कहीं नहीं आ रही। तो एक चीज़ कन्फर्म जरूर हो गया कि सर आर को आपको यहाँ पर लिखना है। ये फंडा क्लियर। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि आर जो है वो इंस्टीट्यूट जेड में पढ़ता है और अर्न्स मोर देन डी। आर जो है इंस्टीट्यूट
जेड में पढ़ता है, जेड में था ठीक है, जेड में पढ़ता है और वो फाइनेंस के साथ पढ़ता है फिनेंस में। चलिए भाई, तो फिनेंस में कौन है, आर है, और किस कॉलेज में है, जेड कॉलेज में है। और उसके साथ से ये भी बोला गया, देखिए भाई यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ लिखा था कि आर जो है वो जेड इंस्टीट्यूट में है, आर जो है वो जेड इंस्टीट्यूट में फिनेंस के साथ। उसके साथ से ये भी बोला गया कि वो डी से तो ज़्यादा कमाता है लेकिन वो एस से कम कमाता है। देखिए अगर इसके भी आप पोजिशन देखें तो इसका हमने सही से पॉइंट आउट भी इसको किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, कह रहा है कि टी जो है वो इंस्टीट्यूट एक्स में पढ़ेगा। तो चलिए भाई, टी जो है इंस्टीट्यूट एक्स में है विद फिनेंस स्पेशलाइजेशन, टी जो है वो इंस्टीट्यूट एक्स में है उसके साथ साथ फिनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ है, यही था। चलिए आगे बढ़िए, फिर इन्होंने क्या बोला कि के जो है वो पर्सोनल स्पेशलिस्ट है। लीजिए भाई, के जो है वो पर्सोनल स्पेशलिस्ट है। उसके साथ से ये भी बोला गया कि के अ पर्सोनल स्पेशलिस्ट स्टडीड इन इंस्टीट्यूट वाई, स्टडीड इन इंस्टीट्यूट वाई। आगे बोला गया एंड इज नॉट द लीस्ट अर्नर एमंग देम, और ये कह रहा है कि ये सबसे कम नहीं कमाता है। तो यहाँ अर्निंग पे आ जाइए, इसका कह रहा है के अगर सबसे कम नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा, बी कमा लेगा, और अगर बी यहाँ जाएगा तो के आपका यहाँ पे आ जाएगा। बोलिए, तो चलिए अर्निंग में काफ़ी हद तक चीज़ें तो आपके क्लियर हो रही हैं। अब जरा बात करते हैं पी और टी के बारे में, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई थी, तो आगे जरा बढ़ते हैं। आगे बोला गया बी इज द ओनली फिनेंस स्पेशलिस्ट, कह रहा बी जो है वो ओनली फिनेंस स्पेशलिस्ट है। तो देखिए तीन लोग यहाँ हो गए, तीन और दो पाँच यहाँ हो गए, पाँच और एक छः हो गए, ठीक है। बी इज़ द ओनली फिनेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम वन ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स एमंग देम, कह रहा है कि बी जो है वो ओनली फिनेंस स्पेशलिस्ट है और इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूट का है। किसका किसका, या तो एक्स का, या तो वाई का, या तो फिर जेड का। जरा ध्यान दीजिए, एक्स के मेरे पास पर्टिकुलरली दो हो चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फिनेंस में, ये भी आपसे बोला गया था कि किसी भी एक कॉलेज में दो पर्सन या किसी भी एक स्पेशलाइजेशन या दो स्पेशलाइजेशन के सेम पर्सन सेम कॉलेज में नहीं हो सकते। या तो ये हम बोल दें, या तो ये बोल दें कि किसी भी स्पेशलाइजेशन में दो पर्सन सेम कॉलेज के नहीं आ सकते, है ना। तो एक चीज़ ये कन्फर्म हो गया कि ये जो पर्सन होगा, देखिए जेड इसमें कॉलेज आ चुका है, एक्स आ चुका है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे कौन होगा, वाई आ जाएगा। ये समझ में आ गई, क्योंकि मैंने बोला हुआ था यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शुरू में देखिए बोली गई थी कि पर्टिकुलर लाइन क्या थी, वहाँ पे पर्टिकुलर लाइन ये थी कि नो टू पर्संस हैव सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एज वेल एज स्पेशलाइजेशन। कहानी समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो तीन पर्सन यहाँ पे आ चुके हैं, दो पर्सन यहाँ पे आ चुका है, एक पर्सन आपका यहाँ पे। तो एक चीज जब बताइए ध्यान से, इन्होंने ये बोला कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट वाई अर्न्स द मैक्सिमम, वो या तो पी हो सकता है या तो आप टी हो सकता है। अब देख रहे हैं कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होना चाहिए उसके साथ साथ वाई कॉलेज का है। लीजिए वाई कॉलेज का होगा, तो अब बताइए टी तो आपका जब यहाँ आ चुका है तो जाहिर से बात है कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी। टोटल मिला के यहाँ पे दो पर्सन, दो और तीन पाँच, पाँच और दो सात। इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे भी आपको ब्लॉक कर देना है और यहाँ पे भी आपको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये बोला गया कि वाई कॉलेज का जो बंदा है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, तो वो कौन होगा, वो होगा पी। और अगर पी होगा तो जाहिर सी बात है कि टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो लीजिए भाई, दो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कंपेयर भी करना था, कंपेयर करने के साथ साथ पर्सन को प्लेस भी करना था, उसके साथ साथ एक कॉलेज जिस कॉलेज में थे उसको प्लेस करना था। कहानी समझ में आ गई। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन में देखते हैं, कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाइए। पहला क्वेश्चन बोला गया इन विच ऑफ द इंस्टीट्यूट डिड बी स्टडी, कह रहा बी जो है वो किस कॉलेज में पढ़ता है, वाई कॉलेज में, वाई है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है ना। सेकेंड वन, वॉट इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ पी, पी का स्पेशलाइजेशन क्या है, पी का स्पेशलाइजेशन क्या है, मार्केटिंग। देखिए किसी ऑप्शन मार्केटिंग लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन इज नॉट करेक्ट, इसमें कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, मुझे ये चीज पता करना है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है एक्स के पर्सोनल, एक्स के पर्सोनल, देखिए के जो है पर्सोनल का है लेकिन वो एक्स कॉलेज का नहीं, इसका मतलब पहला वाला जो है ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी सबको आप चेक करेंगे तो बाकी सब कहीं ना कहीं सही मिलेंगे, मुझे इसमें क्या बताना, विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन अगर आपको मिल जाता तो ऑब्वियसली बात है बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुज इनकम इज द सेकेंड हाइएस्ट एमंग देम, कह रहा है किसकी जो इनकम है वो सेकेंड हाइएस्ट है, ये बताइए, सबसे हाइएस्ट था और ये सबसे लोएस्ट है, तो सेकेंड हाइएस्ट की बात किया, सेकेंड हाइएस्ट कौन है, टी। देखिए किसी ऑप्शन में टी लिखा हुआ है, हाँ सर ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा हुआ है टी, ठीक है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जिसमें ये लिखा हुआ है, हाउ मेनी ऑफ देम अर्न्स मोर देन डी, कह रहा है डी से ज्यादा कितने लोग अर्न करते हैं, एक दो तीन और चार। देखिए कहीं फोर लिखा हुआ है,
हाँ सर फोर्थ तो देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ किसी ऑप्शन में, नन ऑफ दीज ऐसा ऑप्शन वहाँ पे मिला हुआ है ऑप्शन नंबर ई। अगर फोर लोग यहाँ देखिए डी से ज़्यादा चार लोअर कमा रहे हैं, फोर अगर ऑप्शन में आपके नहीं तो परेशान क्यों होना जब नन ऑफ दीज जैसा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कहानी समझ में आ गई। तो ये आपका पजल एक ग्रुपिंग के साथ साथ वेरिएबल लेके आया, दो मिक्सड इन्फॉर्मेशन थी, एक कंपेरिजन भी था, उसके साथ साथ कॉलेज साथ ग्रुपिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। ठीक है फंडा क्लियर हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आपके सामने आ रहा होगा, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए फटाफट, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है आपके SBI के पेपर में क्लरिकल में आया हुआ क्वेश्चन, आपका पेपर आने ही वाला है तो होपफुली शायद इस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। ठीक है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCDEFG and I आर 7 फ्रेंड्स हु स्टडीड इन 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड नेमली 5th, 6th and 7th। सात लोग हैं और वो तीन कॉलेज में तीन स्कूल में पढ़ रहे हैं, तीन क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है सच दैट नॉट लेस देन 2 फ्रेंड्स स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड, कह रहा कम से कम दो लोग होने ही होने चाहिए। तो तीसरा पर्सन जिसमें भी होगा उसमें टोटल कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। और वो तीन किसमें होंगे ये मुझे नहीं पता। तो चलिए भाई फटाफट आपने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया होगा, लीजिए भाई मैं भी आपके साथ साथ इसको सॉल्व करता चलता हूँ। अब ये पता चल गया कि पर्टिकुलरली इसमें मैक्सिमम तीन हो सकते हैं, मिनिमम दो हो सकते हैं। तो ये हो गया 5th क्लास, ये हो गई 6th क्लास, ये हो गई 7th क्लास, यही तो करना है। अच्छा इसमें ये भी बोला गया ईच फ्रेंड ऑल्सो हैज़ अ डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट नेमली हिस्ट्री सिविक्स इंग्लिश मराठी हिंदी मैथ्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स। ठीक है तो चलिए भाई काम की लाइन पढ़ते हैं। ए लाइक मैथ्स, ए जो है उसको मैथ्स पसंद है एंड स्टडीज इन द सेम स्टैंडर्ड विद ओनली वन अदर सब्जेक्ट हु लाइक्स मराठी, कह रहा ए जो है वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है उसको क्या पसंद है, उसको मैथ्स पसंद है विद ओनली वन अदर फ्रेंड हु लाइक मराठी, कह रहा इसके साथ सिर्फ एक ही पर्सन पढ़ रहा है 5th क्लास में जिसको क्या पसंद है मराठी पसंद है। अभी मुझे उसका नाम नहीं पता लेकिन तीसरे प्लेस को मैंने ब्लॉक कर दिया, क्या आपने भी साथ साथ ब्लॉक कर दिया था, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि आई स्टडीज विद 2 अदर फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बोला कि आई जो है वो दो और लोगों के साथ पढ़ता है, इसका मतलब कि जिसमें भी आई होगा उसमें टोटल मिला के कितने पर्सन होंगे, 3 पर्सन, वो या तो 6th हो सकता है या तो 7th हो सकता है, क्योंकि इसका फंडा तो पूरा क्लियर हो चुका है। बोलिए भाई समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला बोथ द फ्रेंड्स हु स्टडी विद आई लाइक लैंग्वेजेस, कर आई के साथ जो दो लोग पढ़ते हैं उनको लैंग्वेज पसंद है। और यहाँ कुछ लैंग्वेज के लिए बोला गया हियर लैंग्वेज इंक्लूड्स ओनली हिंदी मराठी एज वेल एज इंग्लिश। एक बात बताइए मराठी तो आपका यहाँ हो चुका है और आई यहाँ कहीं तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस सर मराठी के अलावा क्या बच गया, हिंदी और इंग्लिश। तो लीजिए भाई एक पर्सन ये जो होगा इसको हिंदी पसंद होगा, दूसरा पर्सन होगा जिसको इंग्लिश पसंद होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझे नहीं दिख रही है कहीं पे भी। तो हमने इसको एज अ क्लू बना के यहाँ पे लिख लिया कि आई के साथ जो लोग पढ़ रहे होंगे उनमें एक को हिंदी पसंद होगा और दूसरे को इंग्लिश पसंद, क्योंकि मराठी वाला फंडा आपका हो चुका है कहाँ पे, 5th क्लास में। सही मामला, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने ये बोला कि डी स्टडीज इन द 6th स्टैंडर्ड, डी जो है वो 6th में पढ़ता है विद ओनली वन अदर पर्सन एंड डज नॉट लाइक सिविक्स, कर डी जो है वो भी सिर्फ एक पर्सन के साथ पढ़ता है। तो लीजिए भाई डी के साथ अगर एक ही पर्सन पढ़ रहा है, साथ साथ ये भी बोला गया एंड डज नॉट लाइक सिविक्स, ये एंड जब भी कभी एज अ कंजंक्शन यूज किया जाता है स्टेटमेंट में तो आपको पता होगा कि इसके बाद का जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन, स्टेटमेंट किससे शुरू हो रहा है, स्टेटमेंट शुरू हो रहा है डी के साथ। तो इसका डी के लिए बोला गया कि डी को सिविक्स नहीं पसंद है, कोई बात नहीं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लो सर डी को सिविक्स नहीं पसंद है। कहानी समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला ई स्टडीज विद ओनली वन फ्रेंड, कह रहा ई जो है वो सिर्फ एक पर्सन के साथ पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि ई या तो इस प्लेस पे होगा या तो इस प्लेस पे होगा, क्योंकि यही है दोनों एरिया है जहाँ पे एक एक पर्सन पढ़ रहे हैं, टोटल मिला के 2 पर्सन। अच्छा इससे जी और क्लियर हो गई कि आई के साथ जो दो लोग पढ़ रहे हैं जिनको हिंदी इंग्लिश पसंद है, अब उसके लिए ऑप्शन क्या बचा, 7th वाला। तो आई को हमने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे, अभी इसका सब्जेक्ट नहीं पता छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ यहाँ हमने बना दिया एक हिंदी के लिए और दूसरा बना दिया इंग्लिश के लिए। कहने के लिए चलिए आगे बढ़िए। फिर उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ई स्टडीज विद ओनली वन फ्रेंड, द वन हु लाइक हिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन 5th and 6th स्टैंडर्ड, कह रहा है कि जिस पर्सन को हिस्ट्री पसंद है वो ना तो 5th में पढ़ेगा ना तो 6th में पढ़ेगा, तो इसका ऑप्शन क्या बचा, 7th का। और अगर 7th का बचा तो इसका मतलब हिस्ट्री को होने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेस है, तो हमने पसंद करा दिया आई को, हिस्ट्री पसंद है।
है ना। चलिए आगे बढ़े, फिर उन्होंने क्या बोला, ई डज नॉट लाइक लैंग्वेज, कह रहा ई को लैंग्वेज भी नहीं पसंद है। चलिए भाई, अगर ई को लैंग्वेज नहीं पसंद है तो बताइए क्या ई फिफ्थ में हो पाएगा? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा उसको मराठी पसंद आएगा और यहाँ बोला गया था कि मराठी क्या है, एक लैंग्वेज है, तो इसका मतलब कि ई अगर यहाँ भी नहीं होगा तो ई के होने के लिए एक प्लेस बच गया। बोलिए, ठीक है। चलिए फिर आया क्या बोला गया, लास्ट इन्फॉर्मेशन, फिर उन्होंने बोला सी डज नॉट लाइक इंग्लिश, हिंदी और सिविक्स। कह रहा सी को ना तो हिंदी पसंद है, देखिए सी हो कहाँ सकता है, ना तो हिंदी पसंद है ना तो इंग्लिश पसंद है, अब इन दोनों प्लेस पे भी अगर सी नहीं हो सकता, सिविक्स भी नहीं पसंद है, बट इसके अलावा सी के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि सर सी को आप मराठी पसंद करा दीजिए, है ना। इतनी कहानी हो गई। चलिए अब इसमें देखिए, सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन बची हुई है पर्संस के लिए और दो इन्फॉर्मेशन बचे हुए सब्जेक्ट्स के लिए। तो देखिए सब्जेक्ट को फिल करना ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ बोला गया था कि डी को सिविक्स भी नहीं पसंद है। बताइए डी को अगर सिविक्स नहीं पसंद होगा, सिविक्स बाकी भी कहीं नहीं है, तो सिविक्स के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ बची, सिविक्स के लिए यहाँ पे बच गई, है ना। अब इसका मतलब डी के लिए बस एक ही सब्जेक्ट बच गया। ऊपर देखिए डेटा में यहाँ क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर कहीं नहीं आया हुआ तो इकोनॉमिक्स को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। राइट नाउ पोजिशन ऑफ बी एज वेल एज जी, यहाँ ना तो मुझे बी कहीं दिख रहा है ना तो जी दिख रहा है, और साथ साथ यहाँ पे डेटा में भी बी और जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आया जिसमें आइदर और की कंडीशन बन गई, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें से ऐसा कुछ नहीं बोला कि बी को सब्जेक्ट पसंद है नहीं पसंद है, साथ से ये भी नहीं बोला गया कि बी को हिंदी पसंद है, या कोई अगर नेगेटिव बोलता तो आसानी से हम इन दोनों में भी क्लियर कर लेते कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके लिए। तो जब कुछ नहीं क्लियर उसको आप ऐसे ही आइदर होकर के वहाँ पर लिख दीजिए। अब इसी भी यहाँ पर जो क्वेश्चन भी आएगा उसको भी आपको ऐसे ही ट्राई करना है। कैसे? पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन दिखाइए। पहला क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स ईज फेवरेट सब्जेक्ट एंड द स्टैंडर्ड इन विच ही स्टडीज। ई का कह रहा है फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, सिविक्स है, और सर वो कहाँ पढ़ता है, सिक्स में पढ़ता है। देखिए कहीं लिखा हुआ है सिविक्स एंड सिक्स, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज जी लाइक। कह रहे जी को कौन सब्जेक्ट पसंद है, सर हिंदी भी पसंद हो सकता है और इंग्लिश भी पसंद हो सकता है। देखिए वहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होगा आइदर और करके कि आइदर हिंदी और इंग्लिश, है कोई ऑप्शन? देखिए ऑप्शन नंबर बी, आइदर हिंदी और इंग्लिश, क्लियर है। चलिए तीसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली करेक्ट। कह रहा इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन डेफिनेटली करेक्ट है, डेटा आपके सामने है, आइए चेक करिए। पहला क्या कह रहा है, आई एंड हिंदी, चेक करिए भाई, आई हिंदी, सर सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन जी एंड इंग्लिश, सर जी का तो वैसे ही कंफर्म नहीं। तीसरा ऑप्शन सी एंड मराठी, सी एंड मराठी, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईज फेवरेट सब्जेक्ट, कह रहा आई का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री। देखिए किसी में लिखा हुआ हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा हुआ हिस्ट्री। पांचवा आखिरी क्वेश्चन है क्या, हु अमंग्स द फॉलोइंग स्टडीज इज सेवन स्टैंडर्ड। कंप्यूटर जी ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, एक बार फिर से देखिए कि सेवन स्टैंडर्ड में कौन सा पर्सन इसमें से पढ़ रहा है। तो सेवन स्टैंडर्ड में देखिए कौन कौन पढ़ रहा है, आई है, बी और जी है, है ना, कि आई बी और जी। देखिए ऑप्शन में क्या दिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है जी, दूसरा है सी, सी तो है नहीं उस कंडीशन में, ई ई भी नहीं है, ई के साथ साथ डी, डी भी नहीं है, आइदर डी और बी में डी तो आपका यहाँ पे। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया जी, जी आपका ये कन्फर्म है कि सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ेगा, ठीक है। तो ग्रुपिंग वाले के दो कैटेगरी आज हम लोगों ने सॉल्व की, एक कैटेगरी जिसमें मिक्स वेरिएबल था और दूसरी कैटेगरी जो कि सिंपल वेरिएबल के साथ, लेकिन इसमें भी कहानी पूरी तरह से क्लियर नहीं थी, कुछ कंडीशन यहाँ पे आइदर और के साथ बनी थी। तो होपफुली ग्रुपिंग वाले का आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो इसको क्या करिए, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और पहुंचाना है ऐसे ऐसे लोगों के पास जिनको अभी तक पजल की ये सारी कैटेगरी नहीं पता है। आपका तो भला हो ही रहा है भाई, अपने दोस्तों का भी भला कर दीजिए, है ना। तो होपफुली अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करते चले, जितना ज़्यादा फैला सकते हैं फैलाइए भाई, फैलाइए ऐसी जगह तक जहाँ तक रीजनिंग का ये सारा पोर्शन अभी तक नहीं पहुँचा हुआ, ठीक है। बाकी तो मैं आपके साथ हूँ ही, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, शुरू करते हैं आगे की कैटेगरी और देखते हैं क्या इसके बिहाफ पे आगे के वेरिएबल बस भी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्या। अभी बहुत कहानी बाकी, कोई पिक्चर तो अभी शुरू हुई है भाई, अभी कहते हैं ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो देखा ही कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है पजल का, पजल के अभी कितने सारी वैरायटी होंगे, कितने तरह के पजल्स होंगे, ये आपको संदीप सिंह के साथ मिलेगा। संदीप सिंह तो आपको पता है किसको बोलते हैं, ठीक है भाई। तो कसम खाना है फिर से एक बार, आज फिर से एक बार, पहले कसम खाया था फिर कसम खाने किसकी, माहिष्मति की, भैया माहिष्मति की असंख्य प्रजा के सामने कसम खाना है कि पजल सॉल्व करना है तो संदीप सर सॉल्व करना है, जैसा भी पजल होगा जो भी पजल होगा सारे सारे क्वेश्चन को निकाल के रख देना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, बस बिल्कुल कूल माइंड होकर धोनी की तरह बिल्कुल खेलना है, बिल्कुल भी एग्रेशन में आपको नहीं आना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, शुरू करते हैं पजल की आगे टेरी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक करना क्या है, देखते रहना, पढ़ते रहना, करते रहना स्टडी दिमाग से।